ये जेड़ा सिंह है एदी शादी हुई है, कथा भी कर लेंगे, कीर्तन भी कर लेंगे। जवानी सी बड़ा सोहना सी, मैं इन्हू निके हुंदे नू भी वेख्या, बड़ा सोहना सी, बड़ा प्यारा सी। ये जेड़ा सिंह है इन्हें गुरबाणी की संथ्या भी की, कथा भी कर लेंगे, कथा भी कर लेंगे। हुण कीर्तनिया कथा पाठी भी साडा ढोलकी वाला एक इधर पिछे बजांदा है, ए इहदे नाल भी रहा, कट्ठे रहे ने दो जण, इहनू जाणदा है चीमे पिंड। ते ए जदों मैं कल मिल के अंदरों मैं बाहर आया ते मैनू ये सिंह दे सकदा, हौली हौली लिया बांह फड़ लिया, ओ एबीपी आ जाण देखो, हौली हौली लिया उसके इधर दी लिया, उपर दी लिया, इत्थे खलारो, इत्थे खड़। वेखो मैं प्रैक्टिकली, मैनू ये मेरे मन नू लगा कि मैं वखाणा है संगत, क्योंकि तुसी चले जाना घरों करी तुहानू पता नहीं लगना। मैं चाहुंदा भी वेखीए भी, वेखो ये गल भी वेखण वाली है कि ये सिंह अमृतधारी सी ते जौन सिंह वाले पिंड विच छातियां रखियां, ब्याह रखे, ध्यान इधर रखियो, ब्याह रखे, छातियां रखियां, सारियां बीबियां व्याहियां गईयां गरीबां दियां, ओ रह गई जिन्हू दिसदा नहीं सी नेत्र, इहदी उम्र तो उम्र भी वड्डी सी, गरीब घर दी, दिसदा नहीं सी उहनू, नेत्रहीण सी, सारियां बीबियां व्याहियां गईयां, कल्ली खलोती रह गई, कौन बाह फड़े, फड़े कौन बाह, गरीब दी बाह कौन फड़े, कौन उहनू। ते ए सिंह ने उहनू पिंड वालिआं नू कहिंदा है, हाथ जोड़ के कहिंदा मेरे नाल तोर, इथे 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 लिया के खलार जरा बीबी। ते मैनू इहने कल एक गल कही, कहिंदा जी पहला सुख दुख फिर सुख, कहिंदा बाबा जी नेत्रहीन सी जिवें भी सी पर सानू महाराज ने दो पुत्र दिते, दो बेटे ने, एक पहला होया एक हुण, मेरे ख्याल तीन चार महीने का है, ते सदा उहदी बांह फड़ के रखदा है इथे खलार। वेखो ये भी एक परिवार है, ये भी वखाणा चाहुंदा। वेखो नौजवानों वीरो भरावो, इहनू भी परउपकार कहिंदे आ, लोकी दाज दे लोभियां लई चंगियां भलियां बीबियां, अखां भी ने, सब कुछ ठीक ने, फिर भी उह कहिंदे ने नाल 50 लख चाहीदा है, मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल मंगदा है, गड्डी वाला गड्डी मंगदा है, दाज दिया लोभियां ने वड्डे वड्डे मूंह वड्डे आ, पर वो वेखो वो सारी जिंदगी उहनू की पता सी रब ने मैनू दो इन्ने सोहने पुत्तर भी दे देने ने, पर जिद्दां दी भी उहने इक्को गल किया, कहिंदा कल्ली खलोती रह गई, सारियां व्याहियां गईयां, भैणो वेखो सारियां नू हुंदा ना लाड़ा वर मिले, ते खलोती रह गई सी, किसे ने नहीं सी बांह फड़ी, ते कहण लगा मेरे पल्ले अरदास कर दिओ ते मैं इहदे नाल आनंद कारज करा, इन्हें उस बीबी नाल आनंद कार्य करवाए। ये भी सिख ने, कथा करन वाला सिंह है, बन जांगे इदां दे, दमाले बन सकने आ, दस्तारा सजा सकने आ, चोले पा सकने आ, गल्लां वड्डियां वड्डियां कर सकने आ, पर इदां भी हो सकता है किसे गरीब दी इदां भी बांह फड़ सकदा कोई, ये सिखी है। मैं गुरु साहब की हजूरी च बैठा, मैं अंदर पढ़ के आया, तो मैं तुम्हें पूरा सुना देंगा इतिहास, वो अगले बारी संगरांद याद रह गया मेरे, तो मैं वो पढ़ के आया जो अंदरों, तो मैनू बाहर जो ये मल पिया, मैं क्या मैं वो एवं पढ़िया, मेरे ते सामने जिउंदा जागदा है। मेरे सामने हुण इहदा आपां घर बनाउणा है, मैं हुण इह ना गलत समझ लो कि मैं तुहाडे पैसे मंगण लगा, परमेश्वर द्वार इन्ना क है, इत्थे इतनियां इट्टां लगदियां ने, कोई लोड़ नहीं, ना लगणगियां किसे पिल्लर विच, इहदा असीं घर बना के देंगे, एक एक गरीब घरों सांभ लिया बाकी परिवार ने, ते इहदा घर सारा कुछ, मैं कहा तू फिकर ना कर, तू इन्ना कीता है, अज सारी कौम तेरे नाल है, तेरे वर्गियां करके साडे सिखां दा नां उच्चा हुंदा है, इह सिख परउपकार है। सानू मान है इदां दे सिंघां दे,
कलगिया वाले सच्चे पातशाह जिथे नीच संभालियां उथे नदर तेरी बख्शी, जिथे किसे नीवे दी समाज तो जिन्हों नीवा समझिया जाता है, जिथे ओह जे गरीब की कोई बांह फड़दा है कहिंदे ओ वाहिगुरु तेरी बख्शिश उथी वरतदी है, तेरी कृपा उथी वरतदी है। कोई विच जिन्हों मैं कहांगा आ जा इत्थे स्टेज उत्ते, अज पंज प्यारिआं दी हजूरी विच, गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच, लखां संगतां विच, देशां विदेशां विच लोकी इहनूं वेख रहे ने, अज इह इत्थे खलोता है ते इस परउपकार करके प्यारे बनण लई कुरबानी भी करनी पैंदी है। सो मर्ज मेहर करन, इदां दे जिन्ने सिंघ साडे ने उहनां सब दी कदर पै जाए, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ।